मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरा नक्षत्र कृति 2 आता है, मान लें लाइफ में किसी भी किस्म की समस्या आ रही है, समस्या तो हर रोज दिन ब दिन चेंज बदलती जाती है, तो वो पूरी लाइफ में वो वही सोप यूज करना पड़ेगा कि अलग अलग उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा? जी, आप रोज सेम कपड़े थोड़ी पहनते हो। अगर आपको प्रॉब्लम्स भी अलग अलग आ रही हैं, तो आपको यही तो कोऑर्डिनेशन सिखाया जाएगा इसमें कि भाई नहीं, लगन आप नक्षत्र तो अपनी एक ही है ना, लगन चार्ट में जो है नक्षत्र तो नहीं, एक हर नक्षत्र देखो, आपके 9 प्लैनेट्स, 7 प्लैनेट्स और 2 शैडो प्लैनेट्स हैं, ठीक है? 12 घर है, है। हाँ 12 राशियां है ना, इन सब में नक्षत्र बटे हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो जन्म नक्षत्र है उसी को पकड़ के आप चल लोगे सारी जिंदगी। अच्छा, तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उससे रिलेटेड नक्षत्र को पकड़ोगे ना अच्छा, उसके रिलेटेड नक्षत्र को पकड़ना है। जी। अच्छा, अब मैं सोच रहा था कि जो जन्म के टाइम में जो नक्षत्र है, जैसे विनोद कृति कुमार जी, नक्षत्र, इतना आसान होती जिंदगी तो हम सब यहां ना बैठे होते। अच्छा, प्रॉब्लम के रिलेटेड नक्षत्र को पकड़ना है। करेक्ट ठीक है ठीक है, ये जी पूछूं? जी जी अमरजीत सिंह जी, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ मैम, जैसे अगर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम वास्तु दोष की वजह से आ रही है और उसको वो रेक्टिफाई नहीं कर रहा है और हम ये अंग थेरेपी कर रहे हैं, तो क्या इससे वो सॉल्व होना पॉसिबल है? जी, एटलीस्ट 70% तो सॉल्व होगी उसके केस में, तो सॉल्व हो जाएगी, बाकी घर वालों के केस में नहीं सॉल्व हो पाएगी। उसको उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब जो बंदा सॉफ्ट यूज करेगा, ये थेरेपी यूज करेगा। हाँ करेक्ट। अच्छा, दूसरा मैम, मेरे को जो है एक तो बैक पेन है काफी टाइम से और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ओके, उसके तो भी क्या ये आपको पॉसिबल? इलाज, हाँ उसके भी सोप्स बनते हैं, वो सारे सोप्स जो हैं आपको दिए जाएंगे। मतलब हर अच्छा, सोप की एक अपनी प्रॉपर्टीज है, किस चीज के लिए वो यूज होगा वो सब आपको बताया जाएगा, सिम्टम्स के साथ बताया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि भाई एस्ट्रोलॉजी जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है इसमें, इसमें आपको कम से कम 200 सिम्टम्स लिखवाए जाएंगे, उसके क्या क्या सोप्स हैं वो सारे क्लियर किए जाएंगे। तो मतलब आप, कि हाँ जी, जी, प्लीज तो कंटिन्यू। आप जो है उसको सोप को कॉम्बिनेशंस भी बना के सामने वाले को दे सकते हो। ताकि उसकी मल्टीपल प्रॉब्लम को हम एक साथ करेक्ट उसको सॉल्व कर जी, पाए। मैं करेक्ट और जो आप हमें प्रॉब्लम्स कराएंगे, बताएंगे, अवेयर करेंगे, उसमें ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो ही जाएंगी, हो जाएंगे। कि मतलब जनरल जितना मोर देन जनरल होता है वो सब हो ही जाएगा। कई बार कोई जी एक्सेप्शन तो हर जगह ही होता हाँ है। जी, सेकंड, जो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हम लोग सब झेलते हैं वो सारी आपकी कवर हो जाएंगी जी। सेकंड मैम, जैसे अभी आपने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स लंबी चलने वाली होती है, जैसे कि अगर किसी ने कहा कि कोर्ट केस है, मतलब और कोर्ट केस में ऐसा हो जाए बाई चांस कि अगर हमारे पास जो दो लोगों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में कोर्ट केस चल रहा है, दोनों ही पार्टियां अलग अलग आ जाए और हम अवेयर नहीं है उसके बारे में, तो दोनों ही ये चाहेंगे कि हाँ हम विन हो जाएं, देखिए तो इस पर अमरजीत सिंह जी, वो तो आपके अपने क्लाइंट्स बेस के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप उसको कैसे टैकल करोगे वो आप जाने। मैं तो आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करूंगी और रेमेडी प्रोवाइड करूंगी जो काम करती है जी, ऐसा जी। हो सकता है ना, मतलब एक मेरे माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन हाँ आया हो कि सकता वी है, आर नॉट अवेयर कि भाई कौन आ जाए, क्योंकि जब हम लेकिन मार्केट में बैठे हैं तो हमारे पास तो सभी तरह के लोग आएंगे। करेक्ट, लेकिन जिसके जिसके सितारे ज्यादा बुलंद होंगे और जिसका वो उसको जल्दी काम कर जाएगा, तो जिसका पहले काम किया उसका हो गया काम जी ठीक है जी। मैम, थैंक यू। थैंक यू जी। पद्मा जी पूछे। मैम ये सब अवेल हो जाएगा क्या मार्केट में इजीली, जैसे यहाँ से बैठे बैठे हम को? आपको आपके इंडिया में तो बहुत आसान है ये चीजें मिलना, और आप लोगों के तो घर तक लोग छोड़ के जाएंगे चीजें, क्योंकि मेरे को थोड़े से इश्यू होता है और मैं सोर्स करती हूँ इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, मेरे को इंडिया से काफी सामान लेना पड़ता है, तो आपको जो है कोई इश्यू नहीं आएगा। राजीव जी, आप इसको घर पे बना सकते हो, घंटे में सोप तैयार होता है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बंदे को बस काम होता है उसका।
आपको भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसको कोई लैब का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है पद्मा जी? जी।